हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये मेरे बेटे ने बनाया था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी फैमिली मेम्बर्स आपका ब्लॉग्स देखती है और इन्जॉय करती है। दिस इज़ स्पेशल थिंग फॉर मी। एंड और देखिए, हम लोग जा रहे थे, निकल रहे थे, मैं मम्मी के यहाँ आई हुई थी। मम्मी का तबीयत नहीं ठीक था, तो सब लोग का प्लान हुआ अचानक सडन कहीं बाहर जाने का संडे, ताकि मम्मी का मूड ऑन हो जाए, अच्छा हो जाए। और ये देखिए, हम लोग सब निकल गए थे। कुछ लोग गाड़ी में थे और कुछ बाइक में भी थे, क्योंकि गाड़ी तो इतने लोग को नहीं हो पाएगा, तो इसलिए तो सब निकल चुके थे। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को जाके ही पता चलेगा। वैसे हम लोग पहुँच भी चुके हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था अभी गार्डनिंग। ये जगह का नाम है पली बंगला रिजॉर्ट, और काफ़ी सुंदर था। फैमिली सब वीकेंड में एंजॉय करने के लिए, फैमिलीज के साथ चाहे आप कपल्स के साथ आओ, बहुत अच्छा प्लेस है। छोटा छोटा कॉटेज है, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा। और देखिए कितना एंजॉय कर रहा था ये जेनी और जेरिन दोनों। मेरी मम्मी को देखे, मम्मी का मूड बस अच्छा करने के लिए ही सब इधर आया था, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है उनके। और ये लोग रेस कर रहे थे, और ये देखिए बीच में आ गए, पर जीती अनुष्का ही जीती। और बस हम लोग जा ही रहे थे चेक इन करने। ये डाइनिंग एरिया था जहाँ लोग आए थे, अभी वेट कर रहे थे कि ये लोग आए कर रहे हैं वीडियो में। यहाँ भी इनका फनी फेस है। और यहाँ का देखिए डेकोरेशन, फोटो वगैरह काफ़ी अच्छा लगाया हुआ था। यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर था। ये वेट कर रहे थे बस हम लोगों को, जिस रूम पे हम लोग रहेंगे वो फाइनल हो रहा था, तो बस थोड़ा वेट करना पड़ा था, तो सब लोग यहीं पे बैठे थे। और ये लोग भी हाई कर लिए मेरे वीडियो में। और अब हम लोग जा रहे थे देखने के लिए रूम। यहाँ रूम तो देखने आए, बट रूम काफ़ी छोटा था, तो फिर हम लोग दोबारा दूसरा जगह देखने गए। तो ये जो देखने जा रहे थे, ये वाला इसमें हम लोग स्पेंड किए थे डे। तो ये देखिए, वहाँ पे छोटा सा पेड़ था मैंगोस में, मिनी मिनी मैंगोस थे, काफ़ी क्यूट लग रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया, उसे रिकॉर्ड किया अपने। और ये भी हाय फिर इधर वीडियो में आ गई थी। और सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे थे, देखिए बैठे हुए थे, अब इनका मस्ती देखिए। काफ़ी, अब यही तो होता है ना, फैमिली का मतलब ही है थोड़ा हंसना खेलना। ये जो इसके पीछे कॉटेज था येलो वाला लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें ही हम लोग रहने वाले थे। और देखिए कितना प्यारा, इसमें सीढ़ी भी दिया था सेकंड फ्लोर के लिए। और ये बस हम लोग रूम के अंदर गए थे, और ये देखिए अपना सीट पहले कैप्चर कर ली। सब कुछ सारा सुविधा उसमें दिया हुआ था, हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ था। और ये मेरा एरिया था, काफ़ी अच्छा रूम था। आप लोगों भी यहाँ आ सकते हैं, ये फैमिलीज़ के लिए वीकेंड के लिए काफ़ी अच्छा जगह है डे आउट करने के लिए। हम सब आते ही हमारा चिट चैट शुरू हो गया था।
अब लड़कियां नहीं करेंगी चिट चैट तो कौन करेगा, बताइए आप ही लोग बताइए। कैसा लगा आप लोगों को ये जगह, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग में से कोई यहाँ गया है तो वो भी बताइएगा प्लीज़। और देखिए मैंने यहाँ भी आके ये मोबाइल ले लिया, और मैं बस इसे लेने की कोशिश ही कर रही थी, पर देखिए वहाँ था एसी भी चल रहा था, ठंड भी लगा था, इसलिए चादर सब ये लोग ओढ़ लिए थे। और मम्मी को देखे मेरे, हाँ ये बाहर में ये लोग दोनों खेल रहे थे बैट। अच्छा है ना वो रोज़ की लाइफ से थोड़ा हट के थोड़ा बाहर आना, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया। ये सडन प्लान था, तो सडन प्लान्स आर ऑलवेज वेरी नाइस। तो ये मार नहीं पा रहा था कॉक, तो बस खैर कोई नहीं, बच्चे करते करते ही ना सीखेंगे। तो मैं भी इंजॉय कर रही थी, इन लोगों को देख रही थी, तो थोड़ा कभी कभी अकेला छोड़ देना भी सही होता है कि हाँ अपने से खेलो, अपने से गिराओ, अपने से उठो और अपने से सीखो। तो इसीलिए मैं भी देख रही थी बस। और ये देखिए यहाँ भी गार्डन था और ये अंदर पहुँच गए थे ये लोग, मैं बोली थी नहीं आओ बाहर आओ, पर नहीं सुने। और वहाँ जाके तो एक एक फ्लावर ले आए थे, तो और ये देखिए ये मुझे दे रहा था फ्लावर, और मैं लगा ली थी ये फ्लावर फिर मैं अपने सर पे। और ये सब लंच करने फिर बैठ गए थे, लंच टाइम भी हो गया था, तो खाना काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। इन टोटल काफ़ी सुंदर जगह था ये, वहाँ पार्क भी था। और ये देखिए दोनों लव बर्ड्स को दोनों स्विंग कर रहे थे, और वहाँ देखिए मम्मी कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े दोनों, बूढ़े नहीं, मेरी मम्मी बूढ़ी नहीं है बट लेकिन वही है ना कि बच्चे और बूढ़े दोनों के अंदर थोड़ा सा बचपना होता है, तो मम्मी का भी मन हुआ सबको देख के, और मैं भी झूल रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैंने झूला है, तो पता नहीं लास्ट कब झूला था, आई डोंट नो। काफ़ी अच्छा लगा था, इतना कभी कभी बच्चा बनना भी ज़रूरी होता है, पता नहीं कल क्या हो, कल लाइफ हो या ना हो, इसलिए हर दिन ऐसा अच्छा जी अच्छे से जीना चाहिए, दिल खोल के जीना चाहिए। अभी देखिए जेनी भी खेलना शुरू कर दिया था बच्चे को देख के, ये भी एक्साइटेड हो गया था, और कितना वो भी झूला, ये झूला काफ़ी मतलब ये फर्स्ट टाइम था उसका, और काफ़ी प्यारा लग रहा था। आखिर ये भी तो बच्चे ही होते हैं ना, तो छोड़ तो इसलिए ये भी इन्होंने भी ट्राई किया झूला, स्पेशल मेंबर ऑफ द फैमिली। और देखिए ये दोनों जन कबीर और अनुष्का भी यहाँ झूल रहे थे, तो पहले जनीज गया फिर कबीर अनुष्का भी गए थे, वो दूसरा झूला में चला गया। देखिए यहाँ से जेनी अभी आ रहा था सपोर्ट के लिए, ज्योति दी भी गई थी, और देखिए हम लोग ने टाइम स्पेंड किया, हमारा भी फोटो सेशन शुरू हो गया था यहाँ भी, ताकि के व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, वो लोग झूल रहे थे, तो हम लोगों ने एक क्लिक करना शुरू कर दिया। और ये दोनों को देखिए, आज कंपटीशन था ही कौन कितना झूलेगा, खैर कोई जीता नहीं बट सब लोगों ने बराबर ही झूला। काफ़ी अच्छा लगता है ना बाहर आके थोड़ा फैमिली के साथ बाहर घूमना फिरना, दोस्त के साथ तो जाते ही हैं बट फैमिली के संग ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशल लगता है जाना, दिल खोल के आप जो मर्जी वो कर सकते हो। और इसको देखिए बीच में आ गई थी, ब्लॉग कर वीडियो कर रही थी, और ये भाई बहन का प्यार देखिए, और ये अपना वहीं बैठे हुए थे क्योंकि सब लोग उनको अच्छा लगता है ऐसे बैठना और देखना ना व्यूज देखना, तो
मौसम काफ़ी अच्छा था और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, सनसेट होने वाला था और ये लोग खेल रहे थे। ये लोग दोनों भी यहाँ खेल रूमिंग कर रहे थे इधर उधर। उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है ना थोड़ा खेलना, बाहर गार्डन में खेलना, बेफिक्र होके खेलना, तो इसलिए भी ये यहाँ आना हम लोगों के लिए ज़रूरी था। और ये देखिए कैसा हनुमान जी बना हुआ है, सन को खा रहा था। और शाम भी हो गया था, थोड़ी ठंड भी हो गई थी वहाँ पे, और यहाँ लाइट वाइट शुरू हो गए थे बाहर का एरिया में। वहाँ लोग बैठे थे वो लोग दोनों के साथ में। देखिए सनसेट हो चुका था, और यहाँ भी सब फोटो खिंचा रहे हैं। अभी तो ये लाई थी बबल्स वाला गन, काफी खेला इन लोगों ने इसके साथ भी, काफी अच्छा गन था। और ये यहाँ अपना फोटो खिंचवा रहे थे ऐसे, और ये हमारा फोटो सेशन शुरू हो गया था। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ये अलग अलग पोज मार रहे थे और श्रुति क्लिक कर रही थी हमारा फोटो। ये हम लोग का ट्रायो पिक फैमिली, और ये मम्मी के साथ था। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने इतना क्लिक किया एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऐसे तो करते नहीं हैं, और कोई क्लिक करने वाला चाहिए तो हमारे पास तो क्लिक करने वाला होता नहीं है। तो यहाँ श्रुति थी तो श्रुति ने सारा क्लिक किया, सारा क्रेडिट गोज़ टू हर। एंड देखिए कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर हमारा पिक सब सारा पिक्स। अभी थक गए थे अपना वो रेस्ट कर रहे थे रूम से अंदर। अभी देखिए जेनी कितना प्यारा लग रहा था, बो पहना हुआ था, काफ़ी क्यूट लग रहा था। और ये देखिए फ्लैश पढ़ के इसकी आँख बंद हो गई थी, कितना क्यूटी पाई लग रहा था जेडन। और ये हम लोग सब टायर्ड हो चुके थे, और ये ऊपर वाले फ्लोर पे वो लोग गए थे बच्चे लोग और श्रुति थी। और ये देखिए मून भी निकल आया पूरा, 8 बज चुका था, शाम रात हो गया था एक तरह से। तो अब हम लोग को जाने की प्लानिंग जाने की ये कर रहे थे, निकल रहे थे कॉटेज से। और यहाँ देखिए दोनों लवर्स का पिक, और ये तो पिक ऑफ द डे है हमारा। ये चाय पार्टी भी चला था वहाँ पे। हाँ ये देखिए एसी चल रहा था तो मस्त एकदम सो गया था जेडन। इन दोनों को एसी बस चाहिए, जेनी एंड जेडन को, तो बस कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियोस पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास पैसे हो या घर हो या गाड़ी हो तो आप लोग मतलब ऐसे प्लान करके आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोगों का मन होना चाहिए कि फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करें, उसके साथ बाहर कहीं जाए, थोड़ा
खेले कूदे तो अपनी बाहर अपनी रोज़ के बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि यही लोग बस इम्पॉर्टेंट होते हैं पूरी ज़िंदगी में, जो आप लोगों को प्यार करते हैं, जो आपके लिए आप लोगों के लिए स्पेशल होते हैं। लाइफ में आप कितना भी सक्सेस हो जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, पर जो आपको जो खुशी आपको फैमिली के साथ मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया की। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने फैमिली के साथ इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करें, अच्छा बॉन्ड बना के रखिए, और जैसे कि हमारा है, और इतना बना के रखिए कि सामने वाला देख के हैरान रहे कि अरे इतनी अच्छी फैमिली, इतने एक साथ ये लोग सारे इन्जॉय करते, इतनी अच्छी।